सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्ला की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांगी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता और वंशला शुक्ला ने एफिडेविट पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र से खत आता है कि आप पास मामला है, कानून का पालन कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ है, बार बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे। इसके बाद जो आए उन्होंने भी यही किया। तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था। उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था, ये माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी।